हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो फाइनली गूगल ने अपने नए ओएस को अनाउंस कर दिया है, जिसका नाम पहले एंड्रॉयड क्यू माना जा रहा था, लेकिन अब फाइनली नेम कंफर्म हो गया है और गूगल इसे एंड्रॉयड 10 के नाम से लॉन्च करेगा। टेस्टिंग के लिए नए ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ बीटा यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो इसके फीचर्स निकलकर सामने आ चुके हैं। इस नए ओएस में यूजर्स को काफ़ी नए और कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं, जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप फीचर्स के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक पहले ही कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस बार एंड्रॉयड 10 में आपको डार्क मोड फीचर्स मिलने वाला है। वैसे डार्क मोड की वेट यूजर्स काफ़ी सालों से कर रहे थे, तो फाइनली अब एंड्रॉयड 10 में गूगल ने ये अपडेट दे दिया है। तो अब डार्क थीम को आप सेटिंग में जाकर बैटरी टैब से ऑन कर सकते हो। इससे स्मार्टफोन की बैटरी भी कुछ परसेंट तक सेव होगी और साथ ही यूजर्स की आंखों पर भी कम इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा अगर दूसरे फीचर की बात करें तो लोकेशन एक्सेस परमिशन को अब आप खुद सेट कर सकेंगे। गूगल ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर इस फीचर को ऐड किया है। इससे आप खुद सेट कर सकते हैं कि कौन सी ऐप आपकी लोकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकती है और कौन सी ऐप नहीं। इसके साथ ही यूजर्स को परमिशन को अलाउ और डिनाई करने के साथ साथ तीसरा ऑप्शन अलाउ व्हेन इन यूज का भी मिलने वाला है। अगले फीचर की बात करें तो आपको गूगल के नए एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल और डाटा शेयर करने के लिए नया फीचर फास्ट शेयर के नाम से ऐड किया गया है। इस फीचर के जरिए आप फाइल्स और डाटा को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के इस फीचर को पहले भी ऐड किया गया था, जिसे पहले एंड्रॉयड बीम नाम दिया गया था, लेकिन फिर इस फीचर को रिलीज होने से पहले ओएस से हटा दिया गया था। इसके अलावा अगर अगले फीचर की बात करें तो एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बैटरी साइन का नया इंडिकेटर दिया जाएगा। इस फीचर के अंदर अब स्मार्टफोन में आपको बैटरी परसेंटेज की जगह ये दिखाएगा कि आपके फ़ोन में जो बैटरी है वो कितनी देर तक और चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप बैटरी परसेंटेज की जगह टाइम दिखाएगा, जैसे अंटिल 11 PM। इस तरह से आपको बैटरी साइन दिखाएगा जो बार बार अपडेट होता रहेगा। इसके अलावा नए एंड्रॉयड सिस्टम में आपको सिर्फ UI में ही चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि इसमें और कलर्ड थीम भी आएंगे, जो कुछ लिमिटेड कलर्स के साथ यूज किए जा सकेंगे। इसके अलावा अगर अगले फीचर की बात करें तो आपको कनेक्टिविटी में भी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। नए एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स को वाईफाई से फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। ये प्रोसेस अब आप QR कोड डालकर कर सकते हैं। वैसे ये स्टेप बेसिकली वाईफाई सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि अगर QR कोड से वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो पासवर्ड लीक होने की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा नए OS में और भी अच्छे फोटोज़ क्लिक की जा सकेंगे, क्योंकि एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में आप थर्ड पार्टी कैमरा को ईजिली एक्सेस कर सकेंगे, यानी बेस्ट क्वालिटी पिक्चर्स मिलेंगी। और अगर अगले फीचर की बात करें तो एंड्रॉयड 10 में बहुत से ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म चला सकते हो। अभी करंटली एंड्रॉयड वर्जन में बहुत सारे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट को कन्वर्ट करके चलाना पड़ता है, तो अब नए फीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जहां ऑडियो वीडियो प्ले करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। इसके साथ ही एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स को अलग से डेस्कटॉप मोड मिलेगा, जिससे फ़ोन आसानी से डेस्कटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि आने वाले मंथ्स में मोस्टली कंपनी अपने अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो उसके ध्यान में रखते हुए एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये ड्यूअल डिस्प्ले को भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करेगा और फोल्डेबल स्मार्टफोन में सभी तरह के आइकॉन्स को अच्छे से शो करेगा। तो इन फीचर्स के बारे में जानकर एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है एंड्रॉयड 10 को लेकर। तो देखते हैं गूगल सेम बीटा फीचर्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करेगा या फिर इसमें कुछ चेंजेस करके लॉन्च करेगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। वैसे आपका क्या ख्याल है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई और इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।